हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जैसा कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुए बहुत दिन हो चुके हैं और इसका आज के इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एनालाइज करने वाले हैं हम। इस वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की मेंटेनर पोस्ट और इलेक्ट्रिशियन की जो मेंटेनर पोस्ट है उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे, इनको एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार से आपका कट ऑफ जो है वो डिपेंड करने वाला है, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ हो सकता है उसका हम इस पर एनालाइज करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें क्या कट ऑफ देखने को मिला था, अभी क्या कट ऑफ हो सकता है, किस प्रकार का कौन कौन से फैक्ट हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करने वाले हैं, तो इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रकार के आपके टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हमारी तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पोस्ट वालों के लिए एक PDF कोर्स आ रहा है जो कि आपका पूरा हैंड रिटन PDF कोर्स रहने वाला है। इसमें आपका जितना भी सिलेबस है, चाहे वो आपका कोई सा भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, सभी सिलेबस को इसमें हैंड रिटन कंप्लीट थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट किया गया है। उसके MCQs को रखा जा रहा है और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको सिर्फ इस दिए हुए नंबर पर WhatsApp करना है। यहाँ पे आप WhatsApp कीजिएगा, यहाँ से आपको उसकी बाकी की डिटेल्स मिल जाएगी और जितने भी आपके टेक्नीशियन एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए ये कोर्स आपको जो कि रहने वाला है उसमें आपको ये हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें एग्ज़ाम के लेवल की, किस प्रकार का एग्ज़ाम का लेवल रहा इस बार, तो एग्ज़ाम लेवल जो है वो मॉडरेट रहा है। अगर पिछले एग्ज़ाम की तुलना में यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा एग्ज़ाम इजी था, लेकिन यहाँ पे इजी नहीं कह सकते एग्ज़ाम को, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जो है वो प्रीवियस जो पेपर हुआ था उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन है। पिछली बार जो वैकेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इस बार अगर वैकेंसी की बात करें तो वो बहुत उतनी ज़्यादा नहीं रही है, तो इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन जो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। इस हिसाब से अगर आप अपने गुड अटेम्प्ट की बात करें कि कितना आपने अटेम्प्ट किया है, देखिए आपको जानकारी होगी कि 1/3 की तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो सबसे अच्छा तरीका यही था कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना था, जो आपसे बन रहा था क्वेश्चन आपको उसी क्वेश्चंस को बनाना था। अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें, आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में रहे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से थे और आपने 60+ क्वेश्चंस को अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है तो ये बहुत अच्छा रहा आपका, यहाँ पे आपका गुड अटेम्प्ट रहा है। और अगर आप इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन के लिए 90+ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना गुड अटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में जो कॉम्पिटिशन होता है, जो पिछली बार कॉम्पिटिशन रहा था वो लगभग इससे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा कंपटीशन होता है। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट पर बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो ऑलरेडी इसका जो है कंपटीशन हमेशा रहता ही है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए प्रिपेयर रहते हैं हमेशा, तो इसमें हमेशा कट ऑफ किसी भी पोस्ट पे अगर बात करें तो ज़्यादा ही रहेगा। यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये 90+ आपने क्यों लिख दिया है, तो ये 90+ जो है इसका भी एक आपको रीज़न मैं आगे बताने वाला हूँ कि क्यों इस तरीके से यहाँ पे आपको गुड अटेम्प्ट के लिए इस तरीके की बातें इस वीडियो में बताई जा रही हैं। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पोस्ट के लिए बात कर लूँ तो ये ऑफिशियल कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर 2018 में जो कट ऑफ देखने को मिला था वो कट ऑफ है। ये कट ऑफ बिल्कुल ऑफिशियल है, एक्यूरेट डेटा है, बिल्कुल जो ऑफिशियल तरीके से आया था वही डेटा मैंने यहाँ पे इसको जो है नोट डाउन कर दिया है। इस कट ऑफ को देखने से पहले आपको थोड़ा सा वैकेंसी पर भी नज़र देना होगा, क्योंकि वैकेंसी पर डिपेंड बहुत हद तक चीज़ें करती हैं कि आपका कट ऑफ किस तरीके से वेरी करने वाला है। अगर वैकेंसी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी थी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पोस्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये जनरल के लिए 269 वैकेंसी थी, यहाँ पे 269, OBC के लिए 143 और SC के लिए 79 और ST के लिए 39 वैकेंसी यहाँ पे आपकी 2018 के एग्ज़ाम में रही थी। कट ऑफ की बात करें तो जो कट ऑफ बन के आता है वो आउट ऑफ 100 के उसमें आता है, यानी इसको परसेंटेज में जो है कैलकुलेट किया जाता है। आपका एग्ज़ाम होता है उसमें मैक्सिमम मार्क्स तो आपके 120 रहते हैं, लेकिन इसको आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि आउट ऑफ 100 का मतलब है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यही आपका, अगर आउट ऑफ 100 में बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ था वो 30 था, पॉइंट में अगर आप देख सकते हैं तो पीछे पॉइंट भी है इसमें। OBC के लिए 26 था, SC के लिए 23 था और ST के लिए यहाँ पे 20 कट ऑफ था। आउट ऑफ 120 में इसको मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आप 120 में कंपेयर करना चाहें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को, तो वो 36.06 था,
ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 31.74 था, एससी के लिए 28.18 था और एसटी के लिए 24.10 था। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी थी वो ओवरऑल 76 वैकेंसी थी, उसमें भी उनका कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है वो उसमें टेबुलेट किया गया था, लेकिन मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल टोटल जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी थी वो मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ। तो इनको आप देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए अगर आप 100 में इसको काउंट करते हैं आउट ऑफ 100 में, तो जनरल के लिए यहाँ पे 33, 20 जो था ओबीसी के लिए, 21 जो था वो एससी के लिए, और एसटी के लिए उस टाइम पे कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं थी। एक्स सर्विसमैन का आउट ऑफ 120 में आप काउंट करते हैं इसको, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है जनरल के लिए 40, ओबीसी के लिए 24, एससी के लिए 26 और एसटी के लिए तो वैकेंसी नहीं था। तो ये टोटल जो वैकेंसी थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में एक्स सर्विसमैन के लिए 76 वैकेंसीज थी। एक बात और रहती है कि जो डीएमआरसी की तरफ से कट ऑफ दिया जाता है उसमें ये भी बता देते हैं कि आपके कितने कैंडिडेट ने एप्लीकेशंस में जो अप्लाई किया था और कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है। तो जो कैंडिडेट का अप्लाइड था वो 9986 यानी कि 9986 कैंडिडेट ने पिछली बार 2018 की वैकेंसी में जो है अप्लाई किया हुआ था, और कितने कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में, तो सीवीटी फर्स्ट जो एग्ज़ाम था उसमें 7699 कैंडिडेट ने सीवीटी फर्स्ट एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया हुआ था। अगर इस बार की बात करें तो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो हो सकता है कि 12,000 से 13,000 के आसपास कैंडिडेट इस बार भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए रहने वाले हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पे जो है अप्लाई किया होगा, और बहुत हद तक इसमें बहुत से स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को छोड़ा भी है, बहुत से स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को नहीं दिया है क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं थी। कुछ स्टूडेंट तो सिर्फ इसलिए अप्लाई कर देते हैं कि वैकेंसी निकली है चलो इसको फिल कर देते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं, हालांकि वो तैयारी करते नहीं है। और आपको पता है कि इस बार जो है वो बहुत ही कम टाइम मिला, बहुत जल्दी इन्हें एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया। इसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो वैकेंसी को सबसे पहले देखना होगा, उसके आधार पर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ को यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो प्रीवियस जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसके कंपैरिजन में बहुत से स्टूडेंट ने कहा है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी रहा है, लेकिन वो एग्ज़ाम ईजी तो रहा है लेकिन ईजी का मतलब ये नहीं है कि हाँ, हो सकता है कि 5 से 10 क्वेश्चंस का ईजी में फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन जिस हिसाब की यहाँ पे आप वैकेंसी देख रहे हैं ना वो ईजी को टफ में कन्वर्ट कर दे रहा है। यहाँ पे आप वैकेंसी देखेंगे तो जनरल के लिए सिर्फ 86 वैकेंसी हैं, ओबीसी और एससी के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए 44 और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी है वो 20 है, और EWS जो नया 10% जो रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए स्टार्ट हुआ है उसकी बात करें तो यहाँ पे 14 वैकेंसी है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है और EWS वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनको 10% जो रिजर्वेशन है नया वाला स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जाए तो ये आपका आउट ऑफ 120 में मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखा है, आप चाहें तो इसे 100 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको तो आप वहाँ पे देख पाएंगे। तो आपका जनरल के लिए जो कट ऑफ होगा वो 58 से लेके 60 मार्क्स के आसपास रहने वाला है, ये आपका कट ऑफ इस ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए। ओबीसी एससी के लिए तो यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, एसटी की बात करें तो ये 32 से 35 के बीच बैरी करेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए ज़्यादा जाएगा कट ऑफ, वैकेंसी भी बहुत कम है, तो ये डिपेंड करेगा उनकी कैटेगरी पर मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल जनरल कैटेगरी को जो है बेस करके बता रहा हूँ क्योंकि एक्स सर्विसमैन में भी वहाँ पे वैकेंसी में उसको कैटेगरी वाइज वैकेंसी किया जाता है, पर मैं यहाँ पे आपको जनरल के अकॉर्डिंग इसके कंपेयर में यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो वो आपका 55 से 58 के बीच वेरी करेगा, और EWS के लिए 57 से 60 के बीच वेरी करने वाला है। अगर आप ओवरऑल कट ऑफ को परसेंट में देखें तो 50% जो है वो आपका कट ऑफ रहने वाला है इस पोस्ट के लिए, इससे नीचे कट ऑफ जो है होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। अब एक सवाल और रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन होना है, 100% होना है, लेकिन आपकी इस पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, उसका रीज़न ये है कि नॉर्मलाइजेशन तभी होता है जब कोई एग्ज़ाम आपका एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट हो। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो तभी नॉर्मलाइजेशन होता है। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम था ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए ये सिर्फ एक ही शिफ्ट में हुआ था और एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ था, 19 फरवरी को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया गया था, और इसमें जो है
इस वजह से आपका एक दिन में एग्ज़ाम हुआ, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे इस पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रोसेस जो है नहीं होने वाली है। तो अगर आप श्योर हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो इस कट ऑफ के रेंज में आ रहे हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है उसके 90% चांस है कि हो जाएगा आपका सिलेक्शन। इसके बाद अब हम बात करें अपने इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले इनका प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ रहा है, प्रीवियस ईयर का क्या यहाँ पे इस तरीके का एनालिसिस रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो प्रीवियस ईयर जो अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए, तो वो आपकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 162, ओबीसी के लिए 85, एससी के लिए 47 और एसटी के लिए 23, एक्स सर्विसमैन जो थे वो 45 थी। ओवरऑल टोटल वैकेंसी की बात कर रहे हैं, इसके बाद भी इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन था कैटेगरी वाइज, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज इसको नहीं लिखा है। कट ऑफ की अगर आप बात करें तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ था एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। यहाँ पे आउट ऑफ 100 में बात करें अगर, तो आउट ऑफ 100 आपको पता है कि ये जो कट ऑफ होता है वो आपका एग्ज़ाम तो 120 मैक्सिमम मार्क्स का होता है, लेकिन इसको परसेंटेज में आउट ऑफ 100 के फॉर्म में जो है वो आपको कट ऑफ उसको टेबुलेट किया जाता है। तो ये आउट ऑफ 100 में जनरल के लिए 63.62, ओबीसी के लिए 61.71 और एससी के लिए 57.57 और एसटी के लिए 59.38, ये आपका आउट ऑफ 100 के लिए था। अब आउट ऑफ 120 में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका बन जाता है जनरल के लिए 76.34, ओबीसी के लिए 74.05, एससी के लिए 69.08, एसटी के लिए ये आपका 71.25 हो सकता है ये कट ऑफ। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी हैं वो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अभी की वैकेंसी से देखा जाए, ये 2018 का है डेटा, तो 2018 में जो वैकेंसी थी इलेक्ट्रिशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी। अभी जो आप वैकेंसी देखेंगे तो वो वैकेंसी बहुत ही हद तक कम है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका 90 प्लस जो है वो अटेम्प्ट है आपका एग्ज़ाम में, तभी आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए सिलेक्शन के चांस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद भी जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ना वो 120 में आप इस तरीके का कट ऑफ देख रहे हैं। और अगर आपने 90 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है उसके बावजूद भी आपका कुछ जो है क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इस पोस्ट पर अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इतना आपका जो है अटेम्प्ट होना चाहिए। इससे कम भी चलेगा अगर आपने 80 प्लस भी किया है, लेकिन वहाँ पे 100% के आसपास आपकी एक्यूरेसी है तभी वहाँ पे आप जो है श्योर हो सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए बात कर लें तो जनरल के लिए एक्स सर्विसमैन की उस टाइम पे इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए जो कट ऑफ थी वो 41.50 थी, ओबीसी के लिए 31.05, एससी के लिए 49.23 और एसटी के लिए 39.45 थी। अगर इसको आउट ऑफ 120 में कन्वर्ट करते हैं आप तो ये 48.6 हो जाएगा, ओबीसी के लिए 37.26, एससी के लिए 59.07, एसटी के लिए 38.94 और जो एक्स सर्विसमैन की इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए जो वैकेंसी थी वो टोटल 45 जो है इन पोस्ट के लिए इनकी वैकेंसी में जो कि आपकी ये पोस्ट जो है वो इनके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए थी। अगर यहाँ पे हम डेटा देखें कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है और कितने कैंडिडेट अपियर हुए थे उस टाइम पे, तो ये देख सकते हैं 110,351 कैंडिडेट ने 2018 के एग्ज़ाम में अपीयर किया हुआ था। इसको अगर आप कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में टोटल ओवरऑल 9,000 कैंडिडेट ने दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 गुना से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए जो है अप्लाई किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कितना आपका कॉम्पिटिशन है एज़ कम्पेयर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे वो लगभग 76,000 के आसपास स्टूडेंट ने यहाँ पे अपनी जो है अटेंडेंस दी हुई थी, उन्होंने एग्ज़ाम में कंडक्ट अपीयर हुए थे। यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख सकते हैं वैकेंसी बहुत ही कम है। ये आपकी वैकेंसी है 49 आपकी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ओबीसी के लिए 14, एसटी के लिए 28, एससी के लिए 0 और एक्स सर्विसमैन के लिए 14 वैकेंसी ही है, ये आप देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कट ऑफ जो है वो बहुत हाई रहने वाला है। अगर आपका 83 से 85 के बीच आउट ऑफ 120 मार्क्स बन रहा है, वो भी माइनस मार्किंग को हटा करके, यानी कि रॉ मार्क्स आपका इतने के आसपास बन रहा है, तभी आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इस पे पोस्ट में आपका जो है वो नाम आ सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 81 से 83 हो सकता है, ओबीसी के लिए 80 से 82, एससी के लिए 75 से 78, एसटी के लिए तो यहाँ पे वैकेंसी नहीं है और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 58 से 65 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका बन सकता है। इतना गैप आप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका अगर एक से ज़्यादा एग्ज़ाम
जो आपका एग्ज़ाम है वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। और इलेक्ट्रिशियन का जो एग्ज़ाम था वो 17 से लेके 20 फरवरी तक कंडक्ट हुआ था, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होने वाला है। और तो ये नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़र्क पड़ेगा वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ हो सकता है 5 नंबर के आसपास फ़र्क पड़ जाए, किसी के 5 नंबर कम हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये भी चीज़ें जो है वो वैरी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, आपके मार्क्स रॉ मार्क्स इतने रेंज के आसपास बन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा श्योर हो सकते हैं, 90% चांस है कि आपका यहाँ पर इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस। आपके अनुसार क्या कट ऑफ हो सकता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस आपके चैनल पर आएंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन में के माध्यम से उसकी बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।